और पूरे प्रदेश के विकास कार्य ठप है। इसी बात के मद्देनजर वही राष्ट्रीय वादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीलेश विश्वास ने मीडिया के माध्यम से कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं कि विकास कहाँ होना चाहिए था और कहाँ हुआ है। विकास कहाँ है हुआ, जो अभियान की शुरुआत की गई है 2018 में, जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद को दिया था, जिसके बाद अगले 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने के साथ विकास की गंगा बहाने की जिम्मेदारी प्रदेश के चौमुखी विकास का दावा किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ गौरव दिवस भी बना चुकी है। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के साथ केवल चलावा हुआ है, यह ना तो विकास देखने को मिल रहा है और ना ही लोग सुरक्षित हैं। इन 4 सालों में केवल अपराध में इजाफा हुआ है और लोगों की समस्याएं बढ़ी हैं। इन्हीं बातों को अंकित करते हुए बिलासपुर विधानसभा के द्वारा 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक विकास खोजो अभियान की शुरुआत की गई है। खास तौर पर बिजली बिल की शिकायत, प्रधानमंत्री आवास के तहत राशि नहीं मिलने और नए आवेदन में हो रहे विलम्ब के साथ बिलासपुर में बढ़ते अपराध को लेकर लोगों ने अपनी समस्याओं का जनवरी तक विकास खोजो अभियान बिलासपुर विधानसभा के 70 वार्डों में पहुंचेगा, जहां जनता से मिले फीडबैक के बाद इसका एक पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जिसके आधार पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब केवल 1 साल का वक्त बचा है। ऐसे में अपने आक्रामक तेवर के साथ चुनाव में जाने का मन बना चुकी है, यही वजह है जनता के बीच पहुंचकर उनकी नब्ज टटोल रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रदीप के साथ साथ बिलासपुर में भी अपराध में दबा हुआ है, तो वही बिजली बिल की बेतहाशा वृद्धि भी आमजन के लिए कमर तोड़ने वाली है। भले ही राज्य सरकार लाख दावे करे कि वह जनता के हित में फैसले ले रही है, लेकिन हकीकत तो यही है कि महंगाई शहर का समस्या के इस दौर में प्रदेश सरकार भी लगातार जनता को महंगाई ही परोस रही है। अब भाजपा की इस अभियान को कितनी सफलता मिली है, छत्तीसगढ़ से संवाददाता राकेश खरे की खास रिपोर्ट। जी बताएंगे, विकास की बात कर रहे हैं, विकास कहां और कहां नहीं हुआ है, ये एक मुख्य मुद्दा है। अवश्य, छत्तीसगढ़ बनने के 22 साल इतिहास, मैं आपको मीडिया के माध्यम से आइए शहर का विकास आप देखिए, कहाँ आवश्यकता थी, कहाँ आवश्यकता नहीं थी, कहाँ जरूरत था, कहाँ जरूरत नहीं था, और हमें कहाँ आज खड़े हैं हम सब बिलासपुर वासी, आप इस मीडिया के माध्यम से स्वयं देख के स्वयं निर्णय लीजिए जो कहाँ सही है कहाँ गलत है। क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है शहर का स्मार्ट सिटी को लेकर? देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर बिलासपुर शहर का जो विकास होना चाहिए था वो स्मार्ट सिटी का भी मॉडल फेल हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति चुनाव के पहले जो भी आप एक दो पोल वोल जो गिराएंगे, इससे ऐसा विकास नहीं है। विकास के लिए पहले हमें मूलभूत असुविधाओं को ठीक करना होगा, और वो ठीक करने के लिए विकास का ये मॉडल नहीं है जो ये हमें बता रहे हैं। विकास के लिए हमें प्रॉपर ईमानदारी से एक आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे इस शहर को डेवलप करने की आवश्यकता है। रहा सवाल क्षेत्रफल की, हमें अगर लगता है वर्तमान बिलासपुर शहर का रास्ता छोटे हैं, तो एक नया बिलासपुर का भी एक मांग है इस शहर का। अगर नया बिलासपुर आप बनाते हैं, वहाँ आप हाईटेक तरीके से हर चीज़ को प्लान करके करते हैं, तो शायद हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का एक अच्छा मुकाम और देश में भी हमारे बिलासपुर की पहचान मिलने में मदद मिलेगा।